टीचर बनने के लिए क्लास टेंथ के बाद क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है और आपको कन्फ्यूजन है कि क्या स्टेप होता है, किस तरीके से एक टीचर बन सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको कम समय में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, अगर आपको टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप जितना जल्दी डिसाइड कर लोगे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लेते कि अभी आप क्लास टेंथ में है या फिर नाइन्थ में है और आप जानना चाहते कि टीचर बनने के लिए टेंथ के बाद क्या करना पड़ता है, तो इसी बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर आप क्लास टेंथ पास किए हैं या फिर टेंथ में हैं तो सबसे पहले आपको क्लास ट्वेल्थ पास करना पड़ेगा। अब बारी आती है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास ट्वेल्थ में। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ऑब्वियस ही बात है कि जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है आप कोशिश करेंगे कि आप वही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए भी, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इसलिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं फ्यूचर में, यानी कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट आपका क्लास ट्वेल्थ में होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। अगर एक बार आप क्लास ट्वेल्थ पास कर लेते हैं उसके बाद आपको दो चीज़ें सोचनी है। पहली चीज़ कि क्या आपको प्राइमरी टीचर बनना है, अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आप क्लास ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जिसे आप क्लास ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बेटर होता है कि क्लास ट्वेल्थ के बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन अगर आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल या फिर 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपको बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। जी हाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड का कोर्स आप क्लास ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप बीएड का कोर्स क्लास ट्वेल्थ के बाद करते हैं तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए 4 साल का होगा, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करते तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए 2 साल का होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मान लेते कि आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली, यानी कि आपने एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह कुछ भी कर लिया है, तो भी आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि गैपिंग होने के बाद क्या बीएड का कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी बीएड का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई में 3-4 साल 2 साल का गैप हो चुका है तब भी आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या समझा? सबसे पहले आपको क्लास 12 पास करना होगा, उसके बाद आपको सोचना होगा कि आप क्या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीटीसी का कोर्स कर सकते हैं या फिर डीएलईटी का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से आता है। तो अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आप 12 के बाद भी कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, तो वो कोर्स आप कर लीजिए। उसके बाद जब भी वैकेंसी है आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, जो भी एग्जाम वगैरह देना होगा आप उसे दे के आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। कुछ स्टेट में ये मेरिट बेसिस पे होता है, कुछ स्टेट में एग्जाम के बेसिस पे होता है, तो जैसे आपके स्टेट में जो भी रूल होगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि आप टीजीटी और पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। टीजीटी टीचर यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी टीचर वो होते हैं जो कि क्लास टेंथ तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, यानी कि 6 से लेकर 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और पीजीटी टीचर वो होते हैं जो कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ऐसा टीचर बनना है तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही होगी, आपको बीएड भी अपना करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों कर लेते हो उसके बाद दोस्तों आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी टीजीटी और पीजीटी के बेसिस पे आपका एग्जाम होता है, आप वो एग्जाम देने के बाद भी सिलेक्शन ले सकते हो। तो डिपेंड करते हैं कि आप किस स्टेट से हो, आपके स्टेट में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो सिंपल सा अगर हम लोग साधारण शब्दों में समझे तो अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले क्लास 12 पास कीजिए, आप ग्रेजुएशन कीजिए, बीएड का कोर्स कीजिए, उसके बाद आप टेट क्वालिफाई कीजिए या फिर टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दीजिए। टेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद सुपर टेट होता है, यानी कि जो भी आपका टीचर के लिए जो वैकेंसी आती है उसका एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत जगह ये मेरिट बेसिस पे होता है, बहुत जगह एग्जाम में जो भी आपके रैंक आए होगी, जो भी नंबर आए होंगे, जो भी कट ऑफ आया होगा उस अकॉर्डिंग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेट के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा टीचर के ऊपर, बीएड के ऊपर, टीजीटी के ऊपर, पीजीटी के ऊपर अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। गूगल पे जाके सिंपली सर्च कीजिए howtobecomeinindia.in, आयुष रेना वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे सर्च बॉक्स में आप जो भी जानना चाहते हो वो चीज सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से हैं, और उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।